बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। मैं आज एक दिलकश और हसीन वादी में बैठा हुआ हूँ। जब मैं घर से निकला तो उस टाइम पे तकरीबन डिग्री सेंटीग्रेड कोई अराउंड 40 था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो अंदाजन कोई होगा 30s में या कुछ। तो बिलीव यू मी के यहाँ का टेम्परेचर मुझे नहीं अंदाज़ा कितना है, लेकिन इतना प्लेजेंट वेदर है कि आप धूप में बैठे हैं आपको गर्मी नहीं लगती, आप छाँव में बैठे हैं आपको ठंड नहीं लगती, आप आग भी सेंकें आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, और आप अगर आग के बगैर भी बैठे हैं कंबल रखें तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। यानी कि इतना खूबसूरत वेदर है, इतना खूबसूरत वेदर है कि मतलब अल्फाज में बयान नहीं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की कुदरत है कि इतनी गर्मी में, सावन के मौसम में, यहाँ पे सावन का कोई नामो निशान नहीं है, और जो जिस तरह की वादियाँ मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो वो कैमरा नहीं दिखा सकता। मैं ट्राई करता हूँ आपको सेल्फी के साथ कि जी आपको वादी दिखा सकूँ। हमारी हुदा हमारे साथ हैं, ये हमें कंपनी दे रही हैं। हेलो हुदा, हाई करें हुदा। ओके, अभी इसका मूड नहीं है, ठीक। ओके, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ का हम अपने घरों में जो जिस तरह के डेकोरेशन करते हैं नेचुरल, मतलब गार्डनिंग करते हैं और उसमें पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो हम हर मतलब मौसम में चेंज करते हैं फूलों का जो है वो एक कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक है और इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जिस जगह बैठा हूँ ये एक ऐसा है, बिल्कुल हल्की सी जगह है बैठने के लिए, गार्डन टाइप है, इन्होंने खुद ही बनाया नेचुरल। और ये देखें पीछे ये झाड़ी टाइप चीज़ है, और ये मेरे साथ देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें इसमें छोटे छोटे फूल खिले हुए, इसमें फूल खिले हुए, ये बहुत प्यारे फूल हैं, पर्पल कलर के फूल हैं, पिंक और पर्पल के दरमियान में कोई कलर आता है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो इस साइड पर मैं अगर वादी दिखाऊं, देखें बहुत खूबसूरत धुंध छाई हुई है थोड़ी साइडों पे, और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं, बच्चे फूल तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। देखें सनफ्लावर्स, नेचुरल सनफ्लावर्स ये तोड़ के ला रहे हैं बच्चे, ये हमारे साथ मना है। और ये इस बच्चे का क्या नाम है? इस बच्ची का मानूर। ये हमारे साथ मानूर है, मानूर यहीं की रहने वाली है, मानूर यहाँ पे फूल तोड़ती हैं और फूलों में रहती हैं, फूल जैसी बच्ची माशाल्लाह। अब आपको इस साइड पे व्यू दिखाता हूँ, ये देखें पीछे इतना खूबसूरत ये जंगल है, और इस जंगल में हर किस्म के चिरिंद परिंद दरिंद पाए जाते हैं। और अगर मैं आपको खड़े होकर दिखाऊँ, ये हमारे पीछे जो वादी है इसको चिकार कहते हैं, ये चिकार का नज़ारा है, और चिकार के साथ साथ इधर धुंध है थोड़ी सी, धुंध के पीछे अगर आपको थोड़ी हल्की सी पहाड़ी नज़र आ रही हो तो इस पहाड़ी को कहते हैं जी, इस पहाड़ी को सुदन गली कहते हैं, और सुदन गली से होते हुए बंदा बाग बहुत आसानी से पहुंचा। बाग भी बहुत खूबसूरत हमारा कश्मीर का इलाका है। तो ये आप देखते जाएं वादी, और मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपको नेचुरल जो ब्यूटी वो दिखाई जा सके। ये देखें ये यहाँ पे एक छोटी सी साथ कांटेदार एक बहुत खूबसूरत सुंबल एक चीज़ होती है, सुंबल यहाँ पे लगे होते हैं, और ये देखें खूबसूरत ये हर तरफ इस टाइम पे जो फूल खिला हुआ है वो बिल्कुल ये पिंक पर्पल टाइप का फूल है, और ये जो है इसने सारी वादी को खूबसूरत बनाया हुआ, और सारा पिंक भी बनाया हुआ पर्पल कलर का, एक प्योर पर्पल। मैं आपको इंडिगो कलर का फूल भी दिखाता हूँ, आप पत्तों के कांटे चेक करें, पत्तों के कांटे ये देखें, पत्तों के साथ कांटे हैं,
जड़ी बूटियों के साथ कांटे हैं, ये बहुत खूबसूरत जड़ी बूटियां हैं। ये देखें पर्पल, ये पर्पल रोज, पर्पल फ्लावर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, खूबसूरत सा पर्पल फ्लावर, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा पेश कर रही है, देखें नेचुरल ब्यूटी। और पर्पल वहां पे जो है जंगल में ढेर लगा हुआ, ये मेरे पीछे देखें, पता नहीं अब नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पूरा नाला सा टाइप है, नाले में सब पर्पल पर्पल फ्लावर है, और बहुत ही खूबसूरत समा पेश करते हुए। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो मैं आपको नेचुरल गार्डन बता रहा था, यहाँ के लोगों ने जो घर बनाए हुए हैं, ये देखें यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे हम रात को ठहरे। और अभी आपको रोड दिखाता चलूँ, रोड 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 यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर वहां से हम हाइकिंग करके जो है ना ऊपर आए। और इस जो सुबह सवेरे मैंने यहाँ के एक वीडियो बनाया था वो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। सुबह जब मैं उठा 5 बजे, हल्का हल्का हल्की हल्की रोशनी थी, धुंध छाई हुई थी हर तरफ, और बहुत ही खूबसूरत समा था। और सेब भी यहाँ पे लगे हुए हैं, एक पीच है लोकल पीच, वो ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये देखें ये पिंक पर्पल रोजेस हैं, वो फ्लावर्स हैं। और एप्पल मैं आपको दिखाता चलूँ, एप्पल ये देखें, ये सेब बिल्कुल माशाल्लाह बहुत भरपूर है इधर सेबों से, और बहुत खूबसूरत सेब है ये, मैंने कल कच्चा खाया, अभी कच्चा है पक्का नहीं, लेकिन बहुत मीठा और लजीज और रसीला सेब है। इसके साथ साथ यहाँ पे पीच हैं, ये पीच का दरख्त है, इसमें पीच भरे हुए हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो समा है ये देखें, और उम्मीद करता हूँ आपने सबने महसूस किया होगा ये। नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए फी अमानल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फी अमानल्लाह।